नासा ने एक बार फिर रचा इतिहास। नासा मिशन स्पेस एक्स हुआ लॉन्च, रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे गए दो यात्री। स्पेस एक्स मिशन के ऐतिहासिक पल के गवाह बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने दी लॉन्चिंग की जानकारी। 9 साल में पहली बार अपनी धरती से रचा इतिहास। नासा ने बनाया एक खास वेंटिलेटर, इसके विनिर्माण के लिए भारत की 3 कंपनियों को मिला लाइसेंस। कोरोना मरीजों को मिलेगी मदद। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए विशेष रूप से वेंटिलेटर विकसित। भारतीय कंपनियों के अलावा 18 अन्य कंपनियों को भी मिला लाइसेंस। 8 अमेरिकी और 3 ब्राजील की कंपनियां हैं शामिल। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत पर मचा बवाल, कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी सरकार ने नेशनल गार्ड के 500 अतिरिक्त सैनिकों को किया तैनात। अटलांटा में पुलिस वाहन पर हुआ हमला। G7 की बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। G7 की बैठक सितंबर तक हुई स्थगित। G7 में भारत रूस समेत 4 देशों को शामिल करने की दी सलाह। भारत और नेपाल के बीच नहीं थम रहा है विवाद। अब नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के तहत संविधान संशोधन बिल किया पेश। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के क्षेत्र भी हैं शामिल। नेपाल में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर 30 जून तक लगी रोक। नेपाल में 2 जून को खत्म होना था लॉकडाउन। पीएम मोदी ने की मन की बात। रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में देशवासियों को किया संबोधित, कहा देश अब खुल गया है, कोरोना से ज्यादा सतर्क रहे। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना से 61 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो 3,70,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान। वहीं 27 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में बड़ा कोरोना का ग्राफ। कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार, तो अब तक 5,164 लोगों की मौत। वहीं 86,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 8,600 के पार, तो वहीं अब तक 190 से ज्यादा संक्रमितों ने गवाई जान, तो अब तक 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। RBI ने लगाया सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। RBI ने 3 दूसरे बैंकों पर भी लिया एक्शन। GST पर नजर आया लॉकडाउन का असर। अप्रैल में केंद्र सरकार को GST से मिला 5,934 करोड़ रुपए, पिछले साल की तुलना में 87% कम। वित्तीय वर्ष 2020 में रियल एस्टेट सेक्टर के संस्थागत निवेश में 12% की कमी। करीब 33,800 करोड़ रुपए का हुआ था निवेश। कमर्शियल सेगमेंट को उबारने में लग सकता है समय। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए तैयारियां हुई तेज। तय समय पर ही होगा महाकुंभ। संतों ने की थी कुंभ को 2021 की बजाय 2022 में कराने की मांग, लेकिन सरकार ने दी आयोजन की अनुमति। साल 2020 में दिखेगा चंद्र और सूर्य ग्रहण का नजारा। जून, जुलाई और नवंबर में है 3 चंद्र ग्रहण, जबकि 21 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण। लखनऊ में लगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विधायक सुरेश श्रीवास्तव के लापता होने के पोस्टर। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ खुला मोर्चा, पुलिस ने किया केस दर्ज। जुलाई में नहीं होंगे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम। सीएम उद्धव ठाकरे ने दी जानकारी, कहा कोरोना महामारी के कारण किया परीक्षाओं को स्थगित। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की सोनू सूद के काम की तारीफ। गवर्नर ने कहा इस नेक काम में पूरी तरीके से करेंगे उनका सपोर्ट। सोनू सूद लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वे छाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस से दूसरी मौत, ASI ने तोड़ा दम। 26 मई को पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। आर्मी बेस हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। हरियाणा के पंचकुला में अमेरिका से लौटे 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अमेरिका से लौटे 73 भारतीयों में से अब तक 27 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,721। पंजाब पुलिस और यूपी ATS को मिली बड़ी कामयाबी। मेरठ से किया मोस्ट वांटेड आतंकी तीरथ सिंह को गिरफ्तार। खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा है आतंकी।
रायबरेली की सेंट्रल जेल में सपा नेता ने लगाई सेंध। जेल से बातचीत का कथित ऑडियो हुआ वायरल, सवालों के घेरे में आया जेल प्रशासन। सपा नेता पर हत्या का मामला है दर्ज। अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक, रामलला के मंदिर को भव्य बनाने की उठी मांग, तो वहीं नाराज संतों ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बाबरी विध्वंस केस के पक्षकार इकबाल अंसारी ने की मुकदमे को समाप्त करने की मांग, सीबीआई कोर्ट से की आगे कार्रवाई न करने की अपील। हिंदू मुसलमान सौहार्द को बनाए रखने के लिए लिया फैसला। रायबरेली में 23 वर्षीय युवक का गड्ढे में पड़ा मिला शव, बुरी तरीके से कुचला गया था चेहरा, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। यूपी के फतेहपुर में दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, झगड़े में कई लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आज से लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म, सोमवार से 100 जोड़ी ट्रेनों का होगा संचालन। यूपी के मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संचालन की सभी तैयारियां पूरी, सोमवार से शुरू होगा 100 जोड़ी ट्रेनों का संचालन। पटरी पर दौड़ेंगी रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन, यात्रियों को करनी होगी सरकारी गाइडलाइन की पालना, तो वहीं रेलवे ने दिया सभी तैयारियों को अंतिम रूप। यूपी में तूफान ने मचाई भारी तबाही, अब तक 13 लोगों ने गंवाई जान, वहीं कई लोग हुए घायल, आगरा और कन्नौज में भी नजर आया तूफान का असर। तूफान और ओलावृष्टि से कन्नौज में भारी तबाही, आंधी की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत और 4 घायल, सरकार देगी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली यूपी में आज भी बारिश के आसार, 8 जून तक लू से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने नोएडा और गाजियाबाद में जताई भारी बारिश की संभावना। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा की अनुशंसा की, ईशांत और शिखर धवन हुए अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट, महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को भी मिल सकता है अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न के लिए रोहित शर्मा की अनुशंसा। सलमान खान ने मुंबई पुलिस को बांटे सैनिटाइजर, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया धन्यवाद, सलमान ने वीडियो शेयर कर दी हैंड सैनिटाइजर की जानकारी। ट्विटर पर फिर से जायरा वसीम की एंट्री, ट्रोल होने पर किया था अकाउंट डिलीट, जायरा ने हाल ही में देश में जारी टिड्डी अटैक पर किया था एक ट्वीट, ट्वीट के चलते उन्हें करना पड़ा था ट्रोल्स का सामना। कोरोना संकट के बीच हुंडई के लिए अच्छी खबर, मई में 5,000 से अधिक वाहनों का किया निर्यात, बाजार में क्रेटा और वेन्यू की खास मांग, अप्रैल में नहीं बिका था कंपनी का एक भी वाहन। 2 जून को भारत में लॉन्च होंगे सैमसंग के 2 नए स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी M11 और गैलेक्सी M01 की होगी लॉन्चिंग, ऑफिशियल लॉन्च के कुछ समय बाद बिक्री के लिए होंगे उपलब्ध। प्रदेश में अनलॉक 1 को मंजूरी, सीएम गहलोत ने गाइडलाइंस पर लगाई मुहर, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी पाबंदी, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, SES होम राजीव स्वरूप ने दी जानकारी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सीएम गहलोत ने दिया संदेश, कहा तंबाकू से दूर रहने का लेना चाहिए संकल्प, तो वहीं तंबाकू के बिना स्वस्थ जीवन के करना चाहिए प्रयास। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की प्रदेशवासियों से तंबाकू का सेवन न करने की अपील, पूरी दुनिया में 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून से शुरू होगी SMS अस्पताल की नियमित सेवाएं, SMS अस्पताल से कोरोना मरीजों को किया जा रहा है RUHS में शिफ्ट, धनवंतरी ब्लॉक में शुरू होगी सभी OPD सुविधाएं। भरतपुर में कोरोना का बढ़ता जा रहा है कहर, DIG लक्ष्मण गोड़ के गनमैन में कोरोना की पुष्टि, भरतपुर SP के गनमैन के बाद अब PA भी हुआ पॉजिटिव, पुलिस महकमे में मची खलबली। जयपुर शहर के परकोटे में कल से दिखेगी रौनक लौटेगी, कल से चारदीवारी क्षेत्र के बाजार खुलेंगे, माणक चौक थाने में पुलिस अधिकारियों ने चारदीवारी क्षेत्र के तमाम व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जयपुर के सांभर में अब बाजारों में रौनक लौटी, पुलिस प्रशासन ने आम जनता और व्यापारियों से COVID-19 की गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की, कई जगहों पर लोगों ने नियमों का किया उल्लंघन। सवाईमाधोपुर के बोली में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर हो रही है कार्रवाई, पुलिस ने मुख्य बाजार में काटे चालान, दुकानदारों ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा, 18 से 30 जून के बीच होगी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं, तो वहीं 27 से 30 जून के बीच होगी सेकेंडरी की एग्जाम, शिक्षा विभाग ने तैयारियां की शुरू। जोधपुर के भोपालगढ़ में SDM सुखाराम पिंडल की सकारात्मक पहल, नरेगा श्रमिकों को दिया मास्क और साबुन का वितरण, कोरोना से बचाव की भी जानकारी। पाली के देसूर में नरेगा नियमों की हुई अवहेलना, ओटा निर्माण की जगह मिट्टी डालकर किया नाले को अवरुद्ध, बारिश में और फ्लो की वजह से नाड़ी टूटने की बड़ी संभावना।
नागौर की कुचामन सिटी में भामाशाहों की सकारात्मक पहल, चांदपुरा गांव के विकास के लिए की करीब 7.5 बीघा भूमि दान, लोगों ने दिया भामाशाहों को धन्यवाद। भरतपुर के बयाना में तंबाकू गुटकों की हो रही है जमकर कालाबाजारी, थोक विक्रेता 350 से 450 रुपए में बेच रहे हैं पैकेट, कालाबाजारी की खबर प्रशासन को होने के बाद भी नहीं हो पा रही है कोई कार्रवाई। राजसमंद के देवपुरिया गांव में अजगर ने मचाया तांडव, घर में घुसे अजगर को देखकर लोगों में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। जालौर में दहीपुर गांव के पशुओं के बाड़े में लगी आग, दो पशुओं की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल, आग से लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में टिड्डियों का अटैक, विधायक गिरधारी लाल भैया का नजर आया अलग अंदाज, टिड्डी दल को भगाने का किया प्रयास। नागौर में शिक्षक संघ शेखावत ने निभाया सामाजिक सरोकार, कोरोना संकट काल के चलते जरूरतमंद परिवारों को बांटे राशन किट, अब तक कई परिवारों की कर चुके हैं मदद। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 25 लाख रुपए की ब्राउन शुगर की जब्त, बाइक सवार एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। नागौर के खिंसर में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत, आंगनबाड़ी केंद्र में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत थी मृतका। जालौर के आहोर में करंट लगने से एक युवक की मौत, सनवाड़ा निवासी कस्तूरा राम घासी के रूप में हुई शिनाख्त, कृषि फार्म पर कार्य करते समय हुआ हादसा। झालावाड़ के गंगधार में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़, ग्रामीणों ने की बाइक सवार युवक की जमकर धुनाई, पुलिस ने पोस्को एक्ट में किया मामला दर्ज। अजमेर पुलिस लाइन में सिपाही ने किया आत्महत्या का प्रयास, जयपुर में पदस्थापना को लेकर अवसाद में था सिपाही, भ्रष्टाचार के मामले में चल रहा था निलंबित, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर के अजयसर में दो भाइयों के बीच हुआ जमीनी विवाद, दोनों परिवारों के झगड़े में 3 लोग हुए घायल, तीनों घायलों का इलाज जारी। राजधानी के बापूनगर में संदिग्ध अवस्था में हुई अधेड़ की मौत, परिजनों ने आनंद फानन में कराया अंतिम संस्कार, मृतक के दोस्तों ने अनहोनी का जताया शक, तो वहीं पुलिस ने चिता बुझाकर निकलवाया शव। टोंक में बारिश के साथ तेज हवाओं का कहर, कच्चे मकानों की छतों में आई दरारें, तो वहीं तेज आंधी में उड़े 3 छप्पर। नसीराबाद में बदला मौसम का मिजाज, बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में तेज बारिश से घरों को हुआ नुकसान, बिजली के पोल समेत पेड़ पौधे भी हुए धराशायी। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन भी मौसम खराब, आंधी बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का तापमान, हनुमानगढ़ भरतपुर जयपुर अलवर समेत कई जिलों में हुई जमकर बारिश, वहीं जैसलमेर और अजमेर जिले में गिरे ओले। रेवंत तेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।